हम जहाँ पे खड़े हैं, हम जहाँ से देश की हालत देख रहे हैं, हम समझते हैं कि सारे ऑपोजिशन को एक साथ आना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब कांग्रेस की जिम्मेदारी देश के प्रति क्या है वो कांग्रेस डिसाइड करे। कांग्रेस को अगर आज भी लगता है कि उनके बगैर कुछ नहीं हो सकता है तो वो एक बार फैक्ट चेक कर ले, क्योंकि 4000 एमएलए में से आज कांग्रेस के पास सिर्फ 600 एमएलए हैं। व्हाट इज दैट नंबर? वेयर इज दैट नंबर? टुडे इन तमिलनाडु देयर इन अ गठबंधन सरकार बट देयर आर ओनली 17 एमएलए। इन बिहार देयर इन गठबंधन सरकार, हाउ मेनी एमएलए डू दे हैव? इन बंगाल मुश्किल से अभी बाय इलेक्शन में एंट्री हुआ है, एक एमएलए है कांग्रेस। सो द पॉइंट इज फॉर मी टू नॉट gun down the opposition. Point is we should get united. But then who should make that effort? Why should the burden be only on the other parties? Why should the burden be only on BRS? Yes, BRS has stated stand is that we will work for it. We are working for it. That is why we recently held a rally in Khammam where many CMs came. We are going to hold another rally in April where again various other leaders will come. Our efforts are on. So our efforts are on, but what about Congress's sincerity, Congress's efforts? And when will they shed their arrogance and come to reality? That will, they will have to decide. I can't come. देखिए मैं क्या बोलती हूँ, किसी भी तरीके से कुछ भी तरकीब किया जा सकता है। अगर महिला आरक्षण की बिल की बात को टेबल किया जाए तो रातों रात हमारे यहाँ इतने सारे साइंटिस्ट हैं, इतने सारे सोशल साइंटिस्ट हैं, who can give us multiple solutions। लेकिन उस बहाने बिल को ना रोके, बस हमारा वही बात है। हमारे लीडर बीआरएस के लीडर केसीआर साहब ने भी ये ऑल्टरनेटिव दिया है कि अगर आपको लगता है महिला आरक्षण 33% देने से किसी का नुकसान हो रहा है तो सीटें बढ़ा दिए जा सकते हैं, बाद में भी वनता रिजर्व कर सकते हैं सीट, उसमें कोई दो राय नहीं। देर आर मल्टीपल इश्यूज लाइक कोटा विद इन कोटा, सम पार्टीज हैव दैट ऑब्जेक्शन, वी डू नॉट हैव ऑब्जेक्शन फॉर दैट। इनफैक्ट वी आर सेइंग ओबीसी का जनगणना होना